मुंबई इंडियंस और SRH के बीच आज हुए मुकाबले में हार्दिक पांड्या की साइड से हमें काफी ज्यादा खराब कैप्टनसी देखने को मिली। ना सिर्फ कैप्टनसी के फ्रंट पर बल्कि इसके साथ ही जब हार्दिक बल्लेबाजी करने के लिए आए उस दौरान मुंबई इंडियंस की टीम काफी हद तक मुकाबले में बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद हार्दिक ने काफी स्लो बल्लेबाजी की, वो बिल्कुल भी बाउंड्रीज हिट नहीं कर पा रहे थे। हार्दिक ने 20 गेंदों पर 24 रन बनाए। इसके बाद जब मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले को हारी तो फिर हार्दिक पांड्या हमें काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे और क्राउड के द्वारा भी हार्दिक पांड्या को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, उनको अलग अलग नाम के द्वारा बुलाया जा रहा था। लेकिन इस पर रोहित शर्मा ने काफी अच्छा जेस्चर किया, उन्होंने क्राउड की तरफ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि हार्दिक पांड्या को इस तरीके के वर्ड्स ना बोले जाएं। भले ही MI की टीम ने रोहित के साथ कुछ भी किया हो, लेकिन रोहित ने दिखाया कि एक बार फिर से वो कितने ज्यादा बेहतरीन इंसान है। कमेंट करके आप लोग बताना कि आपके हिसाब से मुंबई इंडियंस की टीम को रोहित शर्मा को नया कैप्टन बनाना चाहिए या फिर नहीं।